नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इंस्टेंट करौंदे मिर्च का अचार बनाएंगे। जब आपका तीखा और खट्टा खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं और इस अचार को आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आइए अब हम बनाते हैं इंस्टेंट करौंदे मिर्च का अचार। अचार बनाने के लिए 100 ग्राम करौंदे लिए हैं, लगभग 10 के करीब हरी मिर्च ली है, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच तेल लिया है। हम करौंदों को काटेंगे। करौंदा लेकर हम इसको बीच में से काटेंगे और जो इसके बीच में सीड है वो हम नाइफ की सहायता से इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से बीच में। इसी तरह से हम सारे करौंदे काट लेंगे, जिसके जो बीज का सीड है वो हम निकालेंगे, क्योंकि ये बीज में मुंह में आता है तब अच्छा नहीं लगेगा खाने के टाइम में। हरी मिर्च को भी हमने धो लिया है, पोंछ लिया है। अब हरी मिर्च को हम काटेंगे, इनको भी हम टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह से हम सारी हरी मिर्च को काट लेंगे। अब हम पैन लेंगे, इसे गैस पर रखेंगे। इसमें हम 1 स्पून तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने सरसों का तेल यूज़ किया है। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे और सॉटे करेंगे। इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर डालेंगे और इसको सॉटे करेंगे। अब इसी में हम करौंदे और हरी मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको हम मिलाएंगे। अब हम इन करौंदों को लिड लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। अब हम अपने करौंदे देखते हैं, इनको हम चलाएंगे। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया है, क्योंकि हरी मिर्च हमने इसमें डाली है। अभी इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब हम अपने करौंदे चेक कर लेंगे, ये अब बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। लेकिन इसे अभी 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे, क्योंकि इसमें जो पानी होगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पानी रहेगा तो फिर हमारा अचार जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए अब हम इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर खुले बिना लेट के पकाएंगे। हमारा करौंदे का अचार बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम किसी भी जार में स्टोर करेंगे। हम ये फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा इंस्टेंट करौंदे का अचार तैयार है। आप इसे फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपको यदि खट्टा और तीखा खाने का मन है, ये अचार आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे रोटी, दाल चावल, खिचड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब आप इस करौंदे के अचार को बनाइए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए ये आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।